के लिए कि दिलीप साहब को आज विभूषण मिला, क्या कहना चाहेंगे? हमने सुना कि आप इमोशनल हो गई थी। क्यों नहीं इमोशनल हो गई, इतना बड़ा रुतबा, इतनी बड़ी अवार्ड हमारे भारत सरकार ने दिया यूसुफ साहब को। आई एम द प्राउडेस्ट वाइफ इन द वर्ल्ड टुडे। जी मुझे इतना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और ये सब जो कहते हैं कि बहुत पहले दे देना चाहिए था, तो वो तो है ही, लेकिन ये अवार्ड जो है वो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से है। लेकिन जो आप लोगों ने सब हिंदुस्तान के जितने लोग हैं, दुनिया के जितने लोग हैं, जो सब लोगों ने उनको अपने दिल दिए हैं, उनकी मोहब्बत दी है अपनी, उनका एतबार दिया है, दे रिस्पेक्ट हिम नॉट जस्ट एज अ फिल्म स्टार बट एज दिलीप साहब द ग्रेट ह्यूमन बीइंग दैट ही इज, तो वो तो मेरे ख्याल में ये अवार्ड है वंडरफुल, लेकिन वो सबसे बड़ा अवार्ड रहा है। अपने बारे में हमेशा आप वो बहुत अच्छा, कोई जब काम शॉट अपने शूटिंग के दौरान जब करते हैं, जब भी वो कभी एक्सपेक्ट नहीं करते थे, अक्सर लोग वेट करते हैं कहें वाह क्या शॉट दिया है, वाह क्या काम किया है, लेकिन यूसुफ साहब को कभी भी वो उस किस्म की फीलिंग नहीं रही। और हमारे काम के लिए भी, जैसे हम उनके कोस्टार रहे हैं, मैं या और बड़ी बड़ी हीरोइंस और कॉलीग्स जो हैं, जब जब उन्होंने काम किया तो उनकी तवक्को थी कि वो दिलीप साहब से काम करें, उनके साथ काम करें और अच्छा सा शॉट दे दें, क्योंकि जो आर्टिस्ट काम करता है यूसुफ साहब के साथ, वो हम अब बेहतर से बेहतर अपना काम हो जाता है हमारा, हमारा कुछ अलग ही पॉलिश आ जाता है उनके साथ, उनका असर कुछ जो है वो हम पे आ जाता है। तो वो हम तवक्को करते थे यू नो कि दिलीप साहब अब हमारा शॉट देखेंगे और कहेंगे ओह वंडरफुल, वेरी गुड, यू डन सो वेल, लेकिन हमेशा हमको मिलता था गुड, नाउ द नेक्स्ट शॉट वेयर इज द कैमरा, सो ही हैज ऑलवेज बीन अंडरप्लेड। ये अवार्ड भी जो मिली है बहुत खुश है, मुस्कुराए, थोड़े से आंसू आंखों में नमी हुई उनके, लेकिन उससे ज़्यादा वो कुछ जाहिर नहीं करते, क्योंकि वो दुनिया जो है, दुनिया की जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं उसको वो कुछ अहमियत देते नहीं हैं, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, बहुत सेंसिटिव हैं, तो बहुत खुश है, लेकिन ये कि वो बहुत कुछ कहें इस बारे में वो तवक्को नहीं कर सकते हम। जी आप बॉलीवुड में कई लोग कहते हैं कि शहंशाह हैं, फिल्म इंडस्ट्री लोग कहते हैं शहंशाह हैं, बॉलीवुड अच्छा लगता है आप लोग, अब आदत से पड़ गई है, सॉरी तुझे आदत ही पड़ गई है, लेकिन देखो फिल्म इंडस्ट्री, जी फिल्म इंडस्ट्री में लोग कहते हैं कि बादशाह हैं, शहंशाह हैं, लेकिन वो शहंशाह वो बादशाह कहते हैं कि अगर हमने उनके साथ काम नहीं किया तो हमने जिंदगी में कुछ नहीं सीखा। कभी दिलीप साहब ने भी ऐसी बातें आपसे कुछ शेयर की हैं कि अभी मुझे तो मैंने तुमसे कहा है। जी अभी तो कहा है कि वो अपने आप को ना बादशाह समझते हैं ना शहंशाह समझते हैं, बहुत ही साधारण इंसान है, बहुत ही डाउन टू अर्थ है, और वो ही उनकी ह्यूमिलिटी जो है कि जो कैमरा के साथ सामने बैठी हूँ आप सबके, तो डेफिनेटली मैं कॉन्शियस होंगी कि मैं इधर देखूँ या मैं ये करूँ या वो करूँ। यूसुफ साहब जो हैं, दिलीप साहब, उन्होंने इतनी मास्टरी की है, अपना लिया है एक्टिंग को, कि वो यूँ लगता है कि बिल्कुल जिंदगी का एक नेचुरल पहलू बयान कर रहे हैं। व्हाट डिड द मिनिस्टर सेड टू से एनी मूव्स दैट दे एक्सचेंज इन दैट? बहुत बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं राजनाथ जी, वो सो काइंड टू कम हियर, मैं इतनी शुक्रगुजार हूँ कि राजनाथ जी खुद यहाँ आए, क्योंकि मोबाइल्स ऑफ करें तो बेहतर होगा, प्लीज पुट योर मोबाइल ऑफ। तो राजनाथ जी जो यहाँ आए हैं, हम लोग को इतनी खुशी है, मुझे इतनी खुशी हुई है, क्योंकि ये जो राजभवन में दिल्ली में फंक्शन हुआ था, तो उस समय जो है दिलीप साहब ने माइल्ड एक जॉन्डिस डेवलप हो गया था उनका, और अनलाइक नॉर्मल पीपल, दिलीप साहब को नेचुरली इस स्टेज ऑफ लाइफ में कुछ होता है तो इट टेक्स मोर टाइम टू रिकवर, फिर उसके बाद कुछ हुआ अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं, तो हमें वक्त लग गया कि हम नहीं जा सके वहाँ। तो राजनाथ जी ने, मोदी साहब ने खुद यानी कि ये सोचा कि
राजनाथ जी यहाँ खुद आए और दे, अदरवाइज ही कुड हैव सेंट इट विद एनीवन एल्स. तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अहमियत वाली बात है, बहुत खूबसूरत बात है कि उनके मुबारक कदम जो है हमारे घर आए और चीफ मिनिस्टर साहब भी आए, गवर्नर साहब आए. तो इट्स अ ग्रेट ग्रेट थिंग, ग्रेट ऑनर, एंड वी फील सो हैप्पी. ऐसा लगा जैसे हमारे कोई फैमिली के आके गए. मैम, दिलीप कुमार सर इज रिगार्डेड एज वन ऑफ इंडियन सिनेमाज फर्स्ट सुपरस्टार्स, एंड शाहरुख खान आल्सो वेरी फेमसली आइडलाइज्ड हिम. ये बातें कर रहे हैं तो फिर आपके सवाल जो है गुम हो जाएंगे. एनी अदर यंग सुपरस्टार्स ऑफ टुडे और द स्टार्स ऑफ टुडे दैट यू फील आइडलाइज, दिलीप कुमार सर और यू नो एनी ऑफ द यंग स्टार्स? ऑफ कोर्स दे डू, बहुत ही काइंड हैं. यूसुफ साहब पहले सुपरस्टार रहे हैं इंडियन सिनेमा के, और अब जो हैं मैं सोचती हूँ, यूसुफ भी अभी जानते हैं, सोचते हैं कि दे ऑल वेरी वेरी गुड. हम शायद इतने बुद्धू थे, लेकिन आजकल माशाल्लाह दे आर वेरी स्मार्ट. वो अपना काम इतनी अच्छी तरह जानते हैं, अपना बिजनेस करियर इतनी अच्छी तरह डील करते हैं, इतना अच्छा उसको सुपरवाइज करते हैं जो शायद हम जिंदगी भर नहीं कर सकते थे.